नमस्ते, मैं डॉक्टर तुषार पाटिल सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे, यहाँ पर कैंसर तज्ञ के तौर पर काम करता हूँ। इस वीडियो के द्वारे हम जानेंगे ब्रेस्ट कैंसर या स्तन के कैंसर के रिलेटेड कुछ बातें। ब्रेस्ट कैंसर या स्तन का कैंसर स्त्रियों में पाया जाने वाला सबसे कॉमन या आम कैंसर है। ऐसा अनुमान है कि पुणे जैसे शहरों में या मुंबई जैसे शहरों में, जिसको हम अर्बन एरियाज बोलें, हर 22 स्त्रियों के पीछे एक स्त्री को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है और ये रेशो बढ़ने वाला है आने वाले समय में। यूएस और यूरोप में यही प्रमाण 8 में 1 स्त्री के तौर पे है और जल्दी ही हम इसे काटेंगे। इसलिए इस कैंसर का अवेयरनेस लेने का काम जरूर है, करना चाहिए और इसमें बहुत सारे प्रिवेंटिव स्टेप्स लेकर हम इस पर मात कर सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर ये स्तन में जो गठाने हैं उसके तौर पे आम तौर पर पाया जाता है। कॉमन सिम्टम्स अगर हम बोले तो गठान आती है, कई बार इसमें पेन या दर्द नहीं होता है। जब ये गठाने बगल में पहुंचती है तब कुछ लोगों को पेन या दर्द की संभावना होती है। अगर वो गांठ बड़ी होती है तो कभी कभार दर्द, उसमें से कुछ स्राव होना या डिस्चार्ज होना और कुछ लोगों में गांठ फूट कर उसमें जख्म तैयार होना, ऐसी संभावना होती है। जब गांठ स्तन से बाहर फैलती है तो इसको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं और ये लिवर, लंग्स, बोन्स या ब्रेन में फैल सकती है। इस हिसाब से सिम्टम्स वेरी कर सकते हैं। कॉमनेस्ट सिम्टम हुआ लंप इन द ब्रेस्ट, लंप इन के एक्सिला एंड लंप इन द नेक्स। 40 से 50% लोगों में दूसरे सिम्टम्स जैसे पेट में दर्द होना, जिसमें लिवर स्वेलिंग शामिल है, या हड्डियों में दर्द होना, या बहुत सारा सर दर्द होकर चकराना, ये सभी सिम्टम्स आ सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर होने के कारण क्या क्या है, तो इसे हम दो तरह से विभाजित करेंगे। एक है मॉडिफाइबल फैक्टर्स और एक है नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स। नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स मतलब जेनेटिक्स। अगर कुछ फैमिलीज में जेनेटिक हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की तो उसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते और उसमें वो रिस्क या धोखा बना रहता है। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में मोटापा या ओबेसिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जितना मोटापा होगा उतना ही ईस्ट्रोजन ज़्यादा बनेगा और जितना ईस्ट्रोजन ज़्यादा बनेगा उतना ही ब्रेस्ट कैंसर होने का धोखा बनता रहेगा। इसी तरह कुछ और हार्मोनल फैक्टर्स हैं, कुछ दवाइयां हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है और ये पूरी तरह से मॉडिफाइबल है। ब्रेस्ट कैंसर का निदान या डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, तो सिंपल चीज है। एक है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर या ऑन्कोलॉजिस्ट पेशेंट को जांच करेंगे, उन्हें सस्पिशन लगेगा, संदेह होगा तो वो आगे की जांचें बताएंगे। जिसमें दो जांच बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है मैमोग्राफी या सोनोग्राफी और दूसरी है बायोप्सी। सो मैमोग्राफी एक एक्सरे है जो ब्रेस्ट का एक्सरे दो एंगल्स में लिया जाता है और उसे हमें पता चलता है कि इसमें गठान कैंसर होने की पॉसिबिलिटी कितनी है और उसको हम एक स्कोर पर रीडिंग करते हैं। मैमोग्राफी का दूसरा फायदा ऐसा भी है कि उसमें कई बार प्री कैंसरस चीज़ें भी डिटेक्ट होती हैं, जैसे माइक्रोकैल्सिफिकेशंस। अगर हम इसका इलाज कर दें तो आगे कैंसर डेवलप होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं रहेगी, वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप बायोप्सी, छोटी सी सुई द्वारे उसकी बायोप्सी या टुकड़ा निकाला जाता है और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखकर सूक्ष्म तरीके से उसकी जांच की जाती है और निदान होता है। इसमें अलग अलग टाइप्स या तरह के कैंसर्स की अपने को पता चलता है और वही टिश्यू हम आगे के मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के लिए भी रखते हैं ताकि हम कैंसर का एग्जैक्ट स्वरूप जान सके कि वो कितना उग्र या एग्रेसिव है। एक बार कैंसर का निदान हो जाए या डायग्नोसिस हो जाए बायोप्सी के द्वारा, उसके बाद दूसरी जांचें जैसे एक्सरे हुआ, सोनोग्राफी हुई, कुछ लोगों में सीटी स्कैन्स हुए और अगर हमको सस्पिशन है कि आगे फैल चुका है तो पेट स्कैन हुआ, ये सब जांचें की जाती हैं। कैंसर, स्तन का कैंसर डिटेक्ट होने के बाद उसकी ट्रीटमेंट 2 या 3 तरीके से की जाती है। जो अर्ली स्टेज कैंसर्स हैं, जिसको हम अर्ली ब्रेस्ट कैंसर बोलें, उसे हम सर्जरी द्वारा निकाल जाते हैं।
सर्जरी दो प्रकार की हो सकती है, एक है कि पूरा स्तन निकाल दें जिसको हम मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी बोलें, और दूसरा सर्जरी जिसमें हम सिर्फ जो प्रभावित भाग है उसको निकालें और बगल की गठाने निकालें, इसको हम ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी बोलते हैं। दोनों के रिजल्ट्स एक समान हैं अगर हम पेशेंट सिलेक्शन बराबर करें। दोस्तों घबराइए नहीं, ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी और पूरा निकालना जिसको हम मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी बोलते हैं उसके रिजल्ट्स इक्विवेलेंट हैं। ये एक मिथ्या है कि अगर ट्यूमर हो जाए तो पूरा भाग निकालने की ज़रूरत है, सिर्फ ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी करके भी वैसे ही रिजल्ट्स हमको मिल सकते हैं। अगर कैंसर दूसरे ऑर्गन्स में फैल चुका है तो इसमें सर्जरी का कोई रोल नहीं, उसे हम कीमोथेरेपी द्वारे या टारगेटेड थेरेपीज द्वारे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों इसमें भी बहुत सारी नई प्रगतियां हुई हैं और क्रांति हुई है ट्रीटमेंट में। कीमोथेरेपी के अलावा टारगेटेड थेरेपीज और इम्यूनोथेरेपी का विकास हो चुका है जो हमें अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। फैला हुआ कैंसर 10 साल पहले एवरेज लाइफ 6 महीने से 1 साल हुआ करता था, आज वही एवरेज लाइफ कम से कम 3 से 4 साल है अगर हम ट्रीटमेंट बराबर से करें, वो बराबर से लागू हो और पेशेंट उसके लिए बराबर से तैयार हो। दोस्तों और एक बात कहूँगा कि कुछ इंडोलेंट कैंसर्स जो बहुत फास्ट नहीं ग्रो करते और ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव कैंसर्स जो बहुत ही धीमी गति से बढ़ते हैं, उनमें विदाउट कीमोथेरेपी सिर्फ हार्मोनल टैबलेट्स या गोलियों के द्वारा भी कैंसर कई सालों तक कंट्रोल किया जा सकता है। इस टैबलेट्स में भी अभी नई टैबलेट्स आ चुकी हैं जिसको हम एडवांस टारगेटेड थेरेपीज बोलते हैं, और इससे हमारा लाइफ और बढ़ सकता है, ट्रीटमेंट के फायदे हो सकते हैं। विदाउट कीमोथेरेपी ये ट्रीटमेंट कई सालों तक चल सकती है और मैक्सिमम पेशेंट्स को यह अच्छा टॉलरेट होता है। इसके अलावा अगर कैंसर बोन्स में फैला है, हड्डियों में फैला है और दर्द हो रहा है तो रेडिएशन की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ लोगों को अलग अलग दूसरी ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर फ्रैक्चर हुआ है तो कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स करने की ज़रूरत पड़ सकती है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करते हैं या मैमोग्राफी के द्वारे या पेशेंट खुद जल्दी हमारे पास आए जागृति बढ़ा के और खुद कुछ भी छोटे भी सिम्टम्स हो तो हमारे पास आए तो हम फर्स्ट या सेकेंड स्टेज में ही कैंसर को डिटेक्ट कर पाएंगे, जिसमें हमको रिजल्ट्स अच्छे मिलने की सबसे संभावना सबसे ज़्यादा है। एक स्टैटिस्टिक्स के तौर पे बता दूँ, फर्स्ट स्टेज कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में 95% लोग पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं विथ मॉडर्न डे ट्रीटमेंट। इवन सेकेंड स्टेज में 70-80% लोग पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। थर्ड स्टेज में यही संभावना 50-60% तक है। अनफॉर्चुनेटली 25-30% लोग आज भी स्टेज 4 या एडवांस स्टेज में हमारे पास आते हैं जब हम क्योर नहीं कर पाएंगे, बट विथ ट्रीटमेंट हम उनको उनका लाइफ एक्सटेंड कर सके और उनको अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पाए। एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट या कैंसर तज्ञ के तौर पर मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैसेज रहेगा वो है प्रिवेंशन। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, हम सब जानते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में प्रिवेंशन या अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल है। मैमोग्राफी नाम की सिंपल टेस्ट है जो एक्सरे करके हम पता कर सकें कि इसमें गठान है या नहीं है, गठान कैंसरस होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, या प्री कैंसरस कुछ है या नहीं है। सेकेंड स्टेप उसमें बायोप्सी रहेगा। मैमोग्राफी 40 उम्र के बाद हर स्त्री को एटलीस्ट 2 साल में एक बार कराना जरूरी है। रूटीनली अगर हम जांच करें या हाथों से पैल्पेट करें तो 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर से छोटे लम्ब्स हमको पता नहीं चलेंगे, वेरेज मैमोग्राफी में 1 या 2 या 2.5 सेंटीमीटर के लम्ब्स भी पता चल सकते हैं जिसमें हम अर्ली स्टेज में उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि प्रिवेंशन के लिए मैमोग्राफी का इस्तेमाल 40 की उम्र के बाद एटलीस्ट 2 साल में एक बार करें। सेकेंड, कुछ भी सिम्टम्स आने के बाद जल्दी से जल्दी डॉक्टरी सलाह लें और अगर वो बोलें तो आगे की जाँचें जैसे बायोप्सी या स्कैंस कराएं। थर्ड, ट्रीटमेंट के लिए घबराएं नहीं। ट्रीटमेंट में सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन जो भी हम इस्तेमाल करें वो मॉडर्न टेक्निक से विदाउट साइड इफेक्ट या मिनिमम साइड इफेक्ट किया जा सकता है। बहुत सारे पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स आजकल बने हैं, पेशेंट एक दूसरे से बात करते हैं, पुराने पेशेंट्स नए पेशेंट्स को सांत्वन देते हैं और उनको कीमोथेरेपी या सर्जरी से बाहर कैसे, मानसिक तौर से कैसे बाहर निकले
उसके बारे में सलाह देते हैं। तो ये सब ग्रुप्स हमारे पास अवेलेबल है। जिनको फैमिली हिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, वो मेडिकल जेनेटिसिस्ट का सहारा लें, उनसे सलाह लें, और अगर जरूरत पड़े तो ब्लड टेस्ट द्वारे हमारी जेनेटिक रिस्क पता कर सकते हैं कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में, और अगर वो रिस्क ज्यादा है तो उसके लिए प्रिवेंटिव स्टेप्स भी ले पाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स शंका हो तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, उसका निवारण करने का कोशिश हम जल्दी से जल्दी करेंगे।